नमस्कार दोस्तों, रवि कुमार वर्मा के YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, प्राचीन भारत के इतिहास की ही सीरीज में। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग अगले वीडियो से इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, या इसी को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इतना मैं आपको बता दूँ कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपका कम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो आता ही है, साथ ही साथ UPPCS में थ्योरी में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पेपर होता है, साथ ही साथ मेंस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता को समझने के लिए हम लोगों को मतलब कोई ऐसा ये टॉपिक नहीं है कि मैं एक ही वीडियो में इसको बता दूंगा, तो एक आध वीडियो, दो तीन वीडियो लग सकते हैं आपको सही से पूरा ये सिंधु घाटी सभ्यता समझाने के लिए। मगर मैं आपको ये एक विश्वास दिलाता हूँ कि कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं, आप मैक्सिमम सारी चीज़ें समझ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता का। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में मेन चीज़ जो सबसे पहले जो आता है, एक जिला है साहिवाल जिला। ये जिला कहाँ पर है? ये इस समय पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। ठीक, यहीं पर का एक गांव है जिसको हम लोग हड़प्पा के नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में और हड़प्पा सभ्यता में हम लोग जानते हैं आज के समय पर में ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। ठीक है, तो बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये सारा चीज़ इंडिया में है, मगर क्योंकि विभाजन के पहले का ये है, इसलिए ये इस समय पंजाब के पाकिस्तान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। ठीक, तो सबसे पहले जो था, एक अंग्रेज थे चार्ल्स मेसन। इन्होंने 1826 में हड़प्पा का सर्वेक्षण किया था, लेकिन इनके समझ में कुछ आया नहीं था कि क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले अगर पूछेगा किस अंग्रेज ने किया था, तो 1826 में चार्ल्स मेसन ने इसका सर्वेक्षण कराया था। उसके बाद पुरातत्व विभाग के प्रथम अध्यक्ष ये कनिंगम जी थे, इन्होंने 1850 में खुदाई करवाई थी, बट वहाँ पर उन्होंने ये सोचा था कि वो सब चीज़ें यूजलेस हैं और वो ऐसी कोई सभ्यता यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ये सोच के इन्होंने उस खुदाई को रुकवा दिया था। फिर 1856 में अंग्रेजों ने कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने का काम स्टार्ट करवाया था। ठीक, अब इस रेलवे लाइन को बिछाने के लिए हमें ईंटों की ज़रूरत पड़ी थी, और जो हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ के टीले से ले ली थी। तब भी महत्व से समझ में इनके नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ है वहाँ पर। पुनः 1872 में उन्होंने ही, कनिंगम ने ही दोबारा दौरा किया, लेकिन पुनः उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। इसके बाद 1920 में जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को खुदाई के लिए नियुक्त किया। यह खुदाई 1921 में शुरू हुई। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि दयाराम साहनी ही मेन व्यक्ति हैं जिन्होंने आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी दी, और इन्हीं को ये कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता जानने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति यही है, दयाराम साहनी। कब किया था, सन भी याद कर लीजिए, 1920 में। किस अंग्रेज ने इनको इसके लिए रिक्रूट किया था, उसका नाम था जॉन मार्शल। खुदाई कब शुरू हुई थी, 1921 में। ठीक, अब 1921 में खुदाई शुरू हुई थी। 1922 में मोहन जोदाड़ो की आपकी खुदाई स्टार्ट हुई थी। ठीक, 1500 से अधिक हड़प्पा स्थलों की खुदाई की जानकारी इस समय हम लोगों को हो चुकी है। ठीक है, इसमें से दो तीन स्थल कहाँ पर हैं, अफगानिस्तान में है, 500 से लगभग पाकिस्तान में है, और 1000 से अधिक भारत में मिले हैं। ठीक, तो ये लगभग लगभग एक आंकड़ा है, इससे हम लोग ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में सबसे अधिक स्थान मिले हैं, इसके बाद हमारे पाकिस्तान में मिले हैं, और फिर अफगानिस्तान में मिले हैं। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्ययुगीन सभ्यता थी। कांस्ययुगीन सभ्यता का मतलब है कि कांस्य का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता था इस सभ्यता में। ठीक है, यह भारत व दक्षिण पूर्व एशिया का प्रथम नगरीय सभ्यता है। ठीक, उसी सभ्यता में पहली बार कांसे का प्रयोग किया गया था, और सभ्यता के लिए तीन नाम प्रयोग किए गए थे। ठीक है, हम लोगों को तीन नाम समझने, कौन कौन से तीन नाम थे। पहला नाम है हमारा सिंधु सभ्यता,
दूसरा नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता और तीसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता। ठीक, सिंधु सभ्यता में अधिकांश जो स्थल है वो सिंधु नदी के किनारे मिले हैं, इसीलिए इसको सिंधु सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो सिंधु की सहायक नदियों के किनारे मिली है, और हड़प्पा सभ्यता प्रथम खुदाई स्थल है, इसलिए इसे पूरी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया है। मतलब सिंधु सभ्यता है हमारी सिंधु नदी के किनारे जो मिली है, इसके अलावा सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु की सहायक नदियों के आसपास मिली है, और हड़प्पा सभ्यता प्रथम खुदाई स्थल था, इसीलिए इस पूरी सभ्यता का नाम हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता कर दिया। ठीक, अब इसका समय समझिए, हड़प्पा सभ्यता का समय जो है ये अलग अलग व्यक्तियों के हिसाब से अलग अलग है। जैसे जॉन मार्शल के हिसाब से 3250 BC से 2700 BC तक है, मतलब बीसी का मतलब ईसा पूर्व हो गया, और हलीवर के अनुसार है 2500 BC से 1500 BC, आर एस शर्मा के अनुसार है 2550 BC से 1900 BC, बट C14 डेटिंग के अनुसार 2500 से 1750। अब एग्जाम में किसी के भी हिसाब से पूछा जा सकता है, अगर ये नहीं पूछा जाएगा आपसे कि किसके अनुसार हड़प्पा का क्या भी क्या समय अंतराल है, तो आप C14 डेटिंग के अनुसार वाला ही आंसर लगाएंगे, जिसका आंसर है आपका 2500 BC से लेके 1750 BC तक। ये हम लोगों ने ये समझ लिया कि हड़प्पा कब स्टार्ट हुई थी। अब हड़प्पा सभ्यता का उद्भव समझिए क्या है, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव क्या है। इसमें जो हम लोगों को मेन चीज समझनी है वो विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत एक समझना है और देशी उत्पत्ति का सिद्धांत समझना है। तो विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत में क्या है, मेसोपोटामिया सभ्यता ये इराक नदी डलार फरात की नदी है, जिसे सुमेरिया की सभ्यता से कहा जाता है, और देशी सभ्यता ये कहती है कि आरंभ देशी लोगों द्वारा व्यापार विदेशों से हुआ था जिससे इसका विकास हुआ। ठीक, तो ये दो चीज है, मतलब विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत से भी हम समझ सकते हैं और देशी उत्पत्ति के सिद्धांत से भी हम समझ सकते हैं कि वहाँ मेसोपोटामिया सभ्यता थी वो भारत भारत के पास आई, या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ के लोगों के साथ विदेशियों का व्यापार होना स्टार्ट हुआ था, इस कारण भी इस सभ्यता के बारे में हम लोगों को पता चलता है। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम। हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम क्या है, ये प्राक हड़प्पा चरण जो है वो 3500 से 2500 BC तक है, विकसित चरण जो है वो 2500 से 1900 BC तक है, और पतन काल है 1900 से 750। मतलब हम पूरी हड़प्पा सभ्यता को तीन चीजों में समझेंगे, प्राक सभ्यता मतलब स्टार्टिंग, विकसित चरण और पतन चरण। ठीक, इनके बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले इसका स्टार्टिंग चरण देखते हैं, प्राक हड़प्पा चरण क्या है, 3500 से 2500 BC। अब इसमें स्थल और प्राप्त अवशेष हम लोग को बिल्कुल याद करना है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि जैसे अन्नागार का शख्स कहाँ मिलता है, आपको बताना पड़ेगा आमरी सिंह। तो मैं सीधा सीधा मैंने एक चार्ट बना दिया, आप इस चार्ट से इसको आराम से समझ सकते हैं, आमरी सिंह अन्नागार का शख्स मिलता है। ऊंची सुरक्षा दीवार का शख्स कहाँ मिलता है, ये कोलदीजी सिंह से मिलता है, सिंध से मिलता है। और कृषि का प्राचीनतम शख्स गेहूं और ज्वार का शख्स कहाँ मिलता है, ये मेहरगढ़ से मिलता है। इसके बाद हल का प्रयोग का शख्स कहाँ से मिलता है, यह कालीबंगा राजस्थान से मिलता है। और मातृ देवी की पूजा का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, ये मुंडी शाख अफगानिस्तान से मिलता है। अगर आप दोस्तों आप लोगों में से अगर कुछ लोगों ने कम्पिटिटिव एग्जाम्स दे चुके हैं तो आप लोगों को पता होगा कि सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और हम लोग ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि ये टिक लगाएं कि ये टिक लगाएं। यहाँ पर बस सब चीज़ें मैंने एक सिंपल से चार्ट में आप लोगों को समझा दिया है, आप इनको याद कर लीजिए और यही आपको एग्जाम में टिक लगाने में आपको आसानी होगी। ठीक, प्राक चरण पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा का विकसित चरण क्या है, जो 2500 से 1900 BC तक था। विकसित चरण में हम लोग ये देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का जो केंद्रीय स्थल है वो पंजाब और सिंध है। अब सीधी सी बात है, पंजाब और सिंध का जो इलाका है वो खेती के लिए बहुत उपयुक्त जमीन है, इसके कारण ही वहाँ पर सभ्यता का विकास सबसे पहले हुआ, और यहाँ से इसका विस्तार अन्य क्षेत्रों में हुआ, जैसे पाकिस्तान में हमारा कहाँ कहाँ पर है, बलूचिस्तान और सिंध में है, भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम उत्तर प्रदेश। ठीक है, इतनी जगह पर हम लोगों का ये विकास देखने को मिलता है। इसके बाद भारत में जो जम्मू कश्मीर में कहाँ है, एक बांदा एक जगह है, ये सबसे उत्तरी सैद्धांतिक स्थल है जहाँ पर हमको ये देखने को मिलता है। उसके बाद सबसे दक्षिणी जो है वो दैमाबाद महाराष्ट्र में है,
सबसे पूर्वी आपका क्या है, अलीमगढ़ मेरठ उत्तर प्रदेश में है, और सबसे पश्चिमी बलूचिस्तान सुरकोंडों तक फैला हुआ है। अब देखिए यहाँ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट से साउथ से भी हम लोग समझ सकते हैं, 1 2 3 4 एक नंबर क्या आपको दिखा रहा है, देखिए ये जो एक नंबर आपको दिखा रहा है ये एक नंबर है हमारा, और सबसे ऊपर क्या है चीज एक नंबर पे, ये है हमारा जम्मू कश्मीर का मांडा स्थान। फिर 2 नंबर हमारा सबसे दक्षिणी है जो दैमाबाद महाराष्ट्र में है, 3 नंबर हमारा सबसे पूर्वी है जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में है, और 4 नंबर हमारा पश्चिमी है जो कि बलूचिस्तान सुकता गोडोर में फैला हुआ है। तो इस कारण इसको, इसकी जो पूरी बनावट है वो त्रिभुजाकार भी कही जा सकती है, ठीक है, कुछ लोग इसको त्रिभुजाकार बनावट कहते हैं। इसका क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर है। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 1,400 किलोमीटर है तथा पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 1,600 किलोमीटर है। फिर यह मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता से लगभग 12 गुना क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं नगर योजना। इसी की सबसे प्रमुख विशेषता हड़प्पा की क्या थी, वो नगर योजना थी और साथ ही साथ सफाई व्यवस्था थी। सभी नगर जाल प्रणाली में बटे हुए थे, मतलब ग्रिड की तरीके से हमारे सभी नगर बने हुए थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। स्थल दो भागों में बटे हुए थे, एक गढ़ी दुर्ग जो पश्चिमी दिशा में छोटा होता था और निचला शहर जो पूर्व दिशा में होता था बड़े आकार का होता था। इसके अलावा इसमें कहीं पर भी कोई किलेबंदी नहीं मिली है। इस सभ्यता में हमें घर जो मिले हैं वो पक्के ईंट के मिले हैं और सड़कें कच्ची ईंट की बनी हुई हैं। अपवाद कुछ हैं, जैसे मोहनजोदाड़ो में सड़कें जो हैं वो पक्की ईंट की थी और सभी जगह ईंटें समान आकार की थी, मतलब इन लोगों को, ये लोग टेक्नोलॉजिकली भी साउंड थे। अगर इन लोगों ने अगर ईंटें बनाई और सब समान आकार के बनाई है तो मतलब इनको बनाना आता था, और ये इंजीनियरिंग भी काफ़ी अच्छी इनको आती थी। और मकान जो होते थे वो एक मंजिला बने होते थे, अधिकांश कुछ मकान ही हैं जो 2-3 मंजिला भी बने हुए मिले थे। फिर 2 मंजिला मकानों की नालियां अंडरग्राउंड होती थी और सार्वजनिक नाली से मिलती थी। सड़क के किनारे 2 कूड़ेदान भी मिलते थे और पक्की ईंटों। अब देखिए क्या है कि यहाँ का जो जो विकास था, मतलब जो भी यहाँ का शहर बना हुआ था ये बहुत ही अच्छे ढंग से बना हुआ था। ये सब चीज़ें हम लोगों को हिस्ट्री में अध्ययन करने से मिलती हैं। इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कालीबंगा में कच्ची ईंटों के घर मिले हैं, अलंकृत दीवारें मिली हैं, सुतकोड़ा में मकान पत्थरों के मिले बने हुए हैं। मतलब जैसे आज के समय में है, कहीं पर कच्चे मकान है कहीं पर पक्के मकान है, तो उस समय भी कुछ इसी तरीके से शहर की बनावट रही होगी। कहीं पर हमारे अच्छे मकान पक्की ईंटों के बने हुए मकान भी मिले हैं और कहीं पर कच्ची ईंटों के बने हुए मकान भी हम लोगों को मिले हैं, इस पर भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कला में। कला में क्या इंपॉर्टेंट है कि मोहर, मूर्ति, चित्रकला, लिपि, मतलब इनके पास अपनी खुद की लिपि थी, इनकी खुद की मोहरे थी, मूर्ति थी, चित्रकला थी। ठीक है, सबसे पहले मोहरे मोहर के बारे में बात करते हैं। इसमें मोहरों में इनका सबसे अच्छा प्रदर्शन है, सर्वाधिक जो मोहरे मिली हैं वो वर्गाकार मिली हैं, और जिस पर पशु का चिन्ह होता था, मतलब एक सींग वाला पशु होता था कोई, उस पर कुछ ना कुछ लिखा होता था, मतलब कोई लिपि लिखी थी। इस लिपि को अभी बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं गया है, बस उस तरीके की मोहरें मिली हुई हैं। ठीक है, मोहनजोदाड़ो में योगी वाली मोहर मिली है जिस पर जॉन मार्शल ने पशुपति नाम दिया है। अगल बगल हिरन, गाय, बैल आदि के चित्र मिले हैं। ये जानवर जरूर याद कर लीजिएगा कौन कौन से मिले हैं, हिरन, गाय, बैल, और इसको जॉन मार्शल ने पशुपति का नाम दिया था। ठीक है, सर्वाधिक पत्थर कहाँ मिले हैं, खेलखड़ी में मिले हैं, और ये खेलखड़ी में बना हुआ है और यही मुहर बनाने में यूज़ हो रहा है थे, और अभी तक 2,000 से ज़्यादा मुहर खुदाई में मिल चुकी हैं। ठीक है, सर्वाधिक मुहर कहाँ मिली है, मोहनजोदाड़ो में मिली है। मतलब मोहनजोदाड़ो को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जो मेन व्यापारिक स्थल था उसका वो मोहनजोदाड़ो ही था। ठीक, अब मूर्ति की बात करते हैं। यहाँ पर मूर्ति पत्थर की है, धातु की है, मिट्टी की है। ठीक है, मगर लोहे का प्रयोग देखिए 1000 BC में नहीं मिलता है, मगर यहाँ पर जो आपकी मिली हुई हैं मूर्तियाँ वो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं,
सोना, चांदी, तांबा, कांसा, टिन का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और इस पद्धति में मूर्ति बनाने के लिए भ्रष्ट या मोम पद्धति का यूज करते हैं। मोम पद्धति का मतलब क्या होता है, पहले जो भी स्ट्रक्चर बनाना होता है उसको हम लोग मोम्स के थ्रू बना लेते हैं, फिर उसके बाहर एक मिट्टी का साँचा बनाते हैं और फिर वो जो मेटल हमें डालना होता है उसको पिघला कर डाल देते हैं उसी साँचे में। तो जो मोम होता है वो पिघल के निकल जाता है और उसकी जगह वो आपका मेटल ले लेता है जिस मेटल को आप डालते हैं। तो मतलब एक तरीके से इन्वेस्टमेंट कास्टिंग की तरीके से हम लोगों ने मूर्तियाँ यहाँ पे बनी हुई देखी हैं। इसके बाद हड़प्पा वासी जो होते हैं वो तकनीक से परिमित थे। कांसे की बनी हुई नर्तकी की यहाँ मूर्ति मिली है। अब आते हैं इसमें पत्थर की मूर्ति में, पत्थर की मूर्ति हड़प्पा में मिली है कुछ मूर्तियाँ और कुछ मोहनजोदड़ो में मिली है, ठीक है। मैक्सिमम मूर्ति आपकी धातु की ही मिली हुई है। उसके बाद आती है मिट्टी की मूर्ति। मिट्टी की मूर्ति क्या है कि मिट्टी की मूर्ति यहाँ पर हर घर में बनाई जाती थी। और सबसे ज़्यादा मूर्ति जो है वो पशुओं की मूर्ति मिली है जिसमें वृषभ की अधिकता है। व्यक्तियों में क्या है, पुरुषों की मूर्ति कम है, महिलाओं की मूर्तियाँ ज़्यादा हैं। इसलिए अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो सभ्यता का स्वरूप है वो मात्रात्मक मात्र संतात्मक था, ठीक है। मतलब स्त्रियों को ज़्यादा यहाँ पर माना जाता था। और मिट्टी की मूर्तियाँ जो थी वो मुन मूर्ति कहते थे इसमें। अब आता है चित्रकला। चित्रकला में इसमें कुछ साक्ष्य मिले हैं, पशु वृक्ष के चित्र मिले हैं और बर्तन मिले हैं जो चाक पर बनते थे और जिनके रंग गुलाबी व लाल थे, ठीक। कुछ ऐसी चित्रकला मिली है। लिपि जो है, लिपि इन यहाँ पर गुफाओं में मिली है। लिपि में मूल 64 चिन्हों के बारे में पता किया गया है। इसके अलावा अक्षर लगभग 500 थे। इस तिथि का नाम जो था वो भाव चित्रात्मक था। भाव चित्रात्मक का मतलब है कि अपनी भावनाओं को दिखाने के लिए भी हम लोग एक लिपि का विकास कर सकते हैं, वो लिपि इसमें बनी थी, ठीक है। इसको ब्रेस्टोफ्रेंडियम लिपि, गोमूत्रिका लिपि और राजवत्स शैली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। फिर लिखावृत में सबसे बड़ा सेक्श धौलवीरा से मिला है जिसमें 10 मूल चिन्हों के साथ अक्षर लिखे हुए हैं। लिपि जो है अभी पूरी यहाँ की पढ़ी नहीं जा सकी है, ठीक है। इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट चीज है वो है यहाँ का समाज। समाज जो है वो यहाँ पर कई प्रजातियाँ हैं जिन प्रजातियों के बारे में अध्ययन किया गया है, जिसमें भूमध्य सागरीय है जो कि जहाँ की सर्वाधिक जनसंख्या है। फिर प्रोटो ऑस्ट्रेलाइक है जिसमें इसमें कुछ जनजातियां हैं। फिर अल्पाइन है, फिर मंगोलियाइड है जो चीनी पूर्वी भारत इंडोनेशिया के हिसाब से हैं। उसके बाद व्यवसाय यहाँ पर क्या मिला है, योद्धा, विद्वान, व्यापारी, श्रमिक सभी लोग थे, ठीक है। और इसमें जो हमारा व्यापारिक वर्ग था वही वहां पर आपका प्रशासन चलाता था, ठीक। सामाजिक स्वरूप जो है वो मात्रसत्तात्मक सामाजिक स्वरूप है। उसके अलावा मंदिर व पूजा स्थल, मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। मेसोपोटामिया में एक मंदिर मिला है, पशुपति शिव भगवान की पूजा होती थी। मातृ देवी पशुओं वृक्षों स्नानागार का प्रयोग करते थे और मोहनजोदाड़ो में महा महा स्नानागार की व्यवस्था थी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि स्नानागार की व्यवस्था कहाँ पर थी, तो ये हम लोग आंसर इसका जो है वो मोहनजोदाड़ो लिखेंगे, ठीक है। स्वास्तिक का प्रयोग भी करते थे, जादू जादू टोना का भी यहाँ पर साक्ष्य मिला हुआ है। पुनर्जन्म, ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे क्योंकि कब्रों में इन्होंने क्या किया है, दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी रखी हैं। फिर आता है अंत्येष्टि क्रिया। अंत्येष्टि क्रिया भी इसमें प्रचलन में थी। यहाँ पे पूर्व समाधिकरण सर्वाधिक प्रचलित था, फिर आपका सांशिक शाब्दीकरण था, फिर दाह संस्कार था। मनोरंजन में क्या मिला है इनके पास, पासा खेलना, मछली पकड़ना, पशुओं के आसपास लड़ना, ये सारी चीज़ें हम लोगों को मनोरंजन में प्राप्त हुई हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने अभी तक आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता दिया है। अब जो नेक्स्ट जो हम लोग अपनी क्लास में पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ के बंदरगाह क्या क्या थे, व्यापारिक वस्तुएं क्या क्या थी, पत्थर क्या क्या थे।
और फाइनली जो इसका पतन काल हुआ था वो पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो दोस्तों बहुत लंबा हो गया है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करता हूँ और इसी का मैं सेकेंड पार्ट भी निकालूंगा जिसमें हम लोग बाकी की चीज़ें पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।